और बड़ी खबर है, गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक को वापस लिया है सरकार ने। गलत रिपोर्ट के आधार पर सदन में पेश कर दिया गया था विधेयक। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने हकीकत बयां की। जिस विश्वविद्यालय में बड़ा निर्माण होने का दावा किया गया था, वहां पर सिर्फ जमीन को लेवल किया गया है, एक इंच भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है जमीन पर। स्पीकर सीपी जोशी ने भी पूरे मामले पर नाराजगी जताई। आखिरकार सरकार को विधेयक को वापस लेना पड़ा। बड़ी और अहम खबर, जहां कुछ देर पहले गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक को लाया गया था, पेश किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इस विधेयक को वापस लिया है। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? गलत रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक पेश किया गया। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये बड़ी खबर है और एक तरह से कहे सरकार की किरकिरी की खबर है, क्योंकि मंत्री अनजान रहे, अधिकारियों ने लापरवाही बरती और सदन में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विधेयक पेश कर दिया गया। और जब आज सदन में चर्चा हुई, सरकार गुरुकुल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसके विधेयक पे जब चर्चा हो रही थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है राजेंद्र राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की हकीकत बयां की। क्योंकि जो विधेयक जो पेश किया गया था, वो विधेयक तब पेश होता है जब उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल जांच कर ली जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कर ली जाती है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी में निर्माण कार्य होता है, कई बिल्डिंग होती है, कई बनती है, कई जो क्लासेज वो बनती है। लेकिन अब राजेंद्र राठौड़ ने खुद वहाँ उस जगह का जाकर देखा और वहाँ की फोटो सदन में पेश की, तो पता लगा कि जहाँ यूनिवर्सिटी में बड़ा निर्माण होने की बात की जा रही है, वहाँ पे सिर्फ जमीन को लेवल किया गया है और एक भी निर्माण नहीं हुआ बाउंड्री वॉल के अलावा। यानी कि जो झूठी जानकारी है वो पेश की गई थी और उसके आधार पर विधेयक को लाया गया था। तो ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, स्पीकर सीपी जोशी ने भी नाराजगी जताई। जो कार्य प्रणाली, कहा कि जिस तरह अंतिम जो ये हम कहते हैं अंतिम पड़ाव पे आता है सदन में विधेयक जब आता है, तब पूरे किया जाता है, बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण से आखिरकार जो है वो सरकार को इस विधेयक को वापस लेना पड़ा। तो एक तरह से बड़ा झटका है, सरकार की किरकिरी हुई है, मंत्री राजेंद्र यादव की किरकिरी हुई है, क्योंकि उन्होंने भी बिना जांचे, बिना सोचे, बिना समझे, वो विभाग के उच्च शिक्षा मंत्री है, तो उन्होंने बिना देखे जो पेश किया गया है और उन्होंने ये भी जो हकीकत वहाँ क्या थी ये भी नहीं देख पाए। यानी जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ जमीन समतल कराने के अलावा कोई काम नहीं हुआ था। तो ऐसे में आज की विधानसभा से है कि आखिर सरकार को फिर इस विधेयक को वापस। बिल्कुल नरेश, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने भी कार्रवाई की बात कही कि जिनकी आंखों से होकर ये गुजरी फायर और किसी ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही उनकी भी है, मंत्री हो या अधिकारी, एक्शन होना चाहिए। कमेटी बनती है श्वेता, एक कमेटी होती है जिसमें विशेषज्ञों को लिया जाता है, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जो वीसी है उनको भी लिया गया बताया। हालांकि उन वीसी पे भी पिछले दिनों आपका ध्यान होगा सदन में आरोप लगे थे कि बिना क्वालिफिकेशन के वो वीसी बने हैं, तो वो भी इस कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल है उसमें पूरी जाँच की थी, पूरी तथ्यात्मक की थी। यानी जो लापरवाही है कमेटी की भी है, अधिकारियों की भी है, विभाग के अधिकारियों की भी है, कि अगर कोई विधेयक सदन में आ रहा है, विधानसभा में आ रहा है, यानी यहाँ पास होने के बाद उसको दर्जा मिल जाता। चलिए नरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। लेकिन विधेयक पेश किया गया, लेकिन उस पर जो प्रूफ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष रखे, जो बात उन्होंने कही आपको, चलिए वो सुनाते हैं। उपरोक्त असंख्या के पर्याप्त जांच राज्य सरकार द्वारा की नियमित नियुक्त समिति द्वारा कर ली गई है। इसके सदस्य कुलपति मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर, संकाय अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर, सह आचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, सह आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर, इन्होंने सारी जाँच कर ली। ये सारा का सारा निर्माण कंप्लीट हो गया, ये सब भवन है। और मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ,
कि केवल और केवल उसको जमीन को लेवल करने का काम किया है और उसकी अभी केवल बाउंड्री वॉल बन रही है। और ये सारे के सारे राजेंद्र जी ने मौके पे जा कर के उसके सारे फोटोग्राफ और स्वयं इनके साथ इन्होंने खड़े रह करके वो सारे फोटोग्राफ लिए जो मैं हाउस की टेबल पे रखता हूँ। अध्यक्ष जी आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर वास्तव में हमारे विश्वविद्यालय की यह स्थिति है और हम यहाँ, क्योंकि ये तो पहली बार हुआ जो कोई मौका देखा जाए या मौके के बारे में कोई रिपोर्ट करें, बाकी न तो आप देखते हो न मैं देखता हूँ कि कौन इसमें लिख रहा है कितना सच है और कितना सच नहीं है। इतना बड़ा एक तरह से इस सदन का अपमान इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ये रिपोर्ट दी उन सबके खिलाफ FIR भी दर्ज, उनके खिलाफ केस दर्ज करें, क्योंकि ये बिना लेन देन के नहीं हो सकता। जहाँ जमीन पर एक इंच बिल्डिंग का कोई निशान नहीं है, उस जगह आप 24,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनी हुई लिख करके और सारी चीज़ें बता रहे हो, ये तो बहुत अफसेस है। तो मैं चाहता हूँ मंत्री जी, आपने जिस मन से इसको वापस विड्रॉ किया, क्योंकि हमने आपको समय के पहले बताया कि इसकी वस्तु स्थिति यह है, तो उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन इनके बिना, इनके खिलाफ बिना कार्रवाई किए हुए ये लेना और न लेना आप और इस सदन के ऊपर माथे पर कलंक है। इस सारे प्रोसीजर में से निकल करके यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुँची, ये कलंक है। मैं सोचता हूँ ऐसा उदाहरण राजस्थान में मेरे 40 साल के इस विधानसभा के कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा, जो आज हमने इसको देखा है। मेरी फिर विनम्र प्रार्थना है, इस सामान्य घटना नहीं मान करके इस पर हर हालत में जिन जिन का भी योगदान रहा उन सब पर एक्शन होना चाहिए। पैसे के लेन देन के अलावा और कुछ आधार हो नहीं सकता। बिल विड्रा करने की प्रोसीजर है, जिस बिल विड्रा करने के समय में जो अपोज करता है उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और जैसा माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता ने जो बातें सदन के सामने लाई, ये गंभीर प्रश्न है। राजस्थान में हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, और रिपोर्ट का जो प्राइमरी फेस है, जो बातें कही है उनमें जिस तरह की बातें सामने आई है वो हम सबके लिए बहुत चिंतनीय विषय है। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि सरकार ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे कि हम जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोई बिल ला रहे हैं तो बिल लाने के लिए पहले सुनिश्चित कर ले, अन्यथा वो जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी जिन अधिकारियों की फॉल्स रिपोर्ट के आधार पर सरकार यदि हाउस में बिल लाती है तो ये पूरे सदन का एक तरह से अवमानना होती है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जिस तरह का हम राजस्थान में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं उनमें उसके स्टैंडर्ड, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबको इंश्योर करने के बाद ही बिल के रूप में यदि हम सदन में लाएं तो मैं समझता हूं कि हम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बारे पर ध्यान देगी और इस संबंध में कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करेगी जिससे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। और जो चीज़ें माननीय प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता ने सदन के माध्यम से आप सरकार के सामने लाई, मैं आशा करता हूं कि सरकार उन सब बातों पर गंभीरता से चिंतन करके जो तथ्य सामने लाए उन तथ्यों की जानकारी लेकर उन पर एप्रोप्रिएट कार्रवाई करेगी। यही उसमें प्रोसीजर है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिंपल यही है। तत्पश्चात मुझे प्रश्न यह है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां करें हां पक जीता विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।